शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आरती, तुमने तो हम सबको डरा ही दिया था। बहुत मजा आता है क्या आपको मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने में? पहले तो आप मेरा और मेरे पति का सिर्फ परिवार वालों के सामने मजाक बनाती थी, बेइज्जती करती थी, पर आज तो आपने पूरे मोहल्ले वालों के सामने हमारा तमाशा बना दिया। आरती, ये क्या कह रही हो तुम? हमने जो कुछ भी किया सब तुम्हारी खुशी के लिए। मत करो मेरी खुशी के लिए, आप बहुत कर लिया आपने, थक गई हूँ मैं। क्योंकि आपको ना मेरी खुशी बर्दाश्त होती है और ना इस घर में किसी और की। आरती, शर्म नहीं आ रही तुम्हें ये सब बोलते हुए? अभय, तुम कैसे भाई हो? अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर भी तुम इस श्रद्धा का साथ दे रहे हो? श्रद्धा गलत नहीं है, और तुमने नहीं देखा तुम्हारे पति ने कैसे पूरे परिवार का तमाशा बना दिया सबके सामने? आरती, तुम्हें पता है कुणाल ने इनके साथ क्या हरकत की? एक बार भी उसने अपने बच्चे की होने वाली माँ के बारे में नहीं सोचा, कम से कम उसके सामने तो ऐसी गंदी हरकत ना करे। आरती, अगर हम उसे अभी नहीं रोकते ना तो वो और बदतमीजी करता। अरे वो आया था यहाँ पे जानबूझ के सबको परेशान करने के लिए। अरे बस कीजिए आप सब लोग, अभी डॉक्टर बोल के गई है कि आरती को परेशान नहीं करना है, और आप चारों भी इस बात का ध्यान रखिए कि इस बारे में आरती के सामने कोई बात नहीं। तनुजा, आप आरती को ले जाइए, आराम करने दीजिए। हेलो, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? बदला चाहिए। अभय और श्रद्धा को सबक सिखाना है मुझे, उसके लिए तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, हो जाएगा तुम्हारा काम। क्या हुआ रोशनी, तुमने हम सबको यहाँ इकट्ठा क्यों किया है? मुझे आरती के लिए बहुत चिंता हो रही है, इसलिए मैंने आरती के लिए मन्नत मांगी है। मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलके आरती के लिए और उसके होने वाले बच्चे के लिए मंदिर जाके उनके नाम की आरती करें। जी, इसको घर वालों की आरती की चिंता कब से होने लगी? ये और भक्ति? पक्का कुछ ना कुछ प्लान कर रही है। रोशनी, तुमने बहुत अच्छा सोचा है। हम लोग सब चलेंगे आरती के लिए। हाँ, सिवाय श्रद्धा भाभी के, अगर वो होंगी तो फिर मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है तो आप सब जाइए, मैं श्रद्धा के साथ घर पे ही रुकता हूँ। अब कैसी बातें कर रहे हो अभय? अपनी बहन के लिए तो इतना कर सकते हो ना? हाँ अभय, आपको सबके साथ मंदिर जाना चाहिए। मैं वैसे भी बहुत थक गई हूँ तो घर पे रह के थोड़ा आराम कर लूंगी। तो फिर ठीक है, आप सब भी तैयार हो जाइए, फिर हम निकलते हैं। अभय, क्या हुआ, तुम रो क्यों गए? आप लोग जाइए ना, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। बेटा, श्रद्धा छोटी बच्ची नहीं है जो अपना ख्याल नहीं रख सकती है। वैसे भी तुम्हें ये सब अपनी बहन के लिए करना है ना,
चलो फिर। हाँ भे, चलो ना, आओ आओ। मेरा ध्यान किधर है, संभल के चलो, आओ बैठो। कुछ तो है जो ठीक नहीं है, पता नहीं मेरा मन इतना घबरा क्यों रहा है। चलो ना, वरना आरती के लिए लेट हो जाएगा। किया बस, लेकिन मैंने किचन में कुछ चढ़ाया ही नहीं। ये कैसी आवाज थी? भगवान, श्रद्धा की आवाज आज हमेशा के लिए बंद हो जाए, जिससे फिर कभी वो मेरी और अभय के बीच ना आए। आना नहीं चाहिए था मुझे यहाँ श्रद्धा को अकेले छोड़ के। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे भगवान जी? उसकी रक्षा कीजिएगा, वो ठीक हो बस। करके गई थी, फिर अचानक से ये कैसे? मुझे श्रद्धा के लिए इतना डर क्यों लग रहा है? श्रद्धा, श्रद्धा, ये सब कैसे हो गया? मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम कुछ मत बोलो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। श्रद्धा, श्रद्धा, किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।